तो बेटा आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है पीरियोडिक टेबल पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, तो ये रीढ़ की हड्डी की तरह से है केमिस्ट्री की। और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, मालूम होंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वरना आपको काफ़ी मसला आएगा। तो आज जो बातें मैं आपको बता दूंगा, कल कुछ बातें बताएं, आज कुछ बातें और बताऊंगा, कल की कुछ बातों को रिपीट भी करूंगा, और उसके बाद फिर टेस्ट जो अगला होगा नेक्स्ट जो है ना वो इसी पर होगा, पीरियोडिक टेबल पर ही होगा, ठीक है। तो अगले टेस्ट को मैं नेक्स्ट वीक जो होगा, ठीक है, तो उसको दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, है ना, एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 118 एलिमेंट जो रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको रॉज और कॉलम्स की तुरंत में अरेंज किया गया है, ठीक है। हम जो रॉज हैं, रॉज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज को, हॉरिजॉन्टल जो रॉज हैं, ये रॉज क्या कहलाते हैं, इन रॉज को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स, इनको पीरियड्स कहा जाता है। और जो कॉलम्स हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। पीरियड्स टोटल कितने हैं, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, 7 पीरियड्स आर देयर, एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, 16, देयर आर टोटल 16 ग्रुप्स, ठीक है। 8 जो है वो ए वाले हैं और 8 बी वाले हैं, ठीक है। तो एक कुछ ग्रुप्स हमारे पास 1A से लेकर 8A तक हैं, और ग्रुप नंबर जब भी हम लिखते हैं तो उसको रोमन नंबर में लिखते हैं, है ना, रोमन नंबर लिखा जाता है 1A to 8A, 1A से लेकर कुछ 8A तक हैं, और कुछ 1B से लेकर 8B तक हैं। 1A से 8A तक जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और 1B से 8B तक के जो एलिमेंट्स उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये मेजॉरिटी में दुनिया में मौजूद हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेजॉरिटी में नहीं है, बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ये 1A से 8A वाले हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव के मतलब होता है नुमाइंदा अनासिर, जिनको नुमाइंदगी हासिल है, जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और 1B से 8B वाले वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट के बारे में कल मैंने आपको डिटेल बताई थी, कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है, और काफ़ी एक घंटे का बड़ा लेक्चर था वो। आज एक घंटे का और लेक्चर हो रहा है, तो 2 घंटे में टोटल पीरियोडिक टेबल आपको आ जाती है। निमोनिक्स वगैरह भी याद करवा दी थी कि किस तरह से याद करना है इस पीरियोडिक टेबल को, वो सब कल की बातें, वो अभी भी लिखा हुआ है, हार्ली नहीं की रब से फरिया, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और कल मैंने लेक्चर टोटल रिकॉर्ड किया था और उसको यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुका हूँ, तो वो लेक्चर, जो भी क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो आप वो जो है लेक्चर यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हैं, इसलिए जाकर, है ना, वो कराची में तकरीबन 27,000 बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनमें से आप दोबारा से भी देख सकते हैं। अगरचे क्लासरूम में कुछ बच्चे ही बैठे हुए, ज़्यादा नहीं है, बट ये यूट्यूब पर मुझे 27,000 स्टूडेंट्स में देख रहे होते हैं। मैं ज़्यादातर मैं काम डिजिटली करता हूँ, ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। तो ऑल राइट, जस्ट गिव द रजिस्टर टू, ओके। तो हमारे पास जो पीरियड्स हैं, फर्स्ट पीरियड से 7th पीरियड तक, तो 7 पीरियड टोटल हमारे पास हैं। अच्छा, हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखकर उनके नाम भी फिर हम बताते हैं कि फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड को हम कहते हैं इट इज़ नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो होता है वो हमारे पास कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना, फर्स्ट लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट। और जो सेकेंड पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड। उसके बाद जो थर्ड पीरियड हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉन्ग पीरियड। उसके बाद हमारे पास सिक्स पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड। और उसके बाद 7th पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इनकम्प्लीट पीरियड। अब देखते हैं कि उसको ऐसा बोलते हैं क्यों है, क्यों बोला जाता है उसके सारे नाम, या कैसे याद रखेंगे उसको। फर्स्ट पीरियड में आपको एलिमेंट्स टोटल कितने मिल जाए, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, जैसे एक हाइड्रोजन वहां पर, एक वहां पर हीलियम है, सिर्फ दो ही एलिमेंट है, इतने कम और किसी में भी नहीं है। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया, बिकॉज सबसे छोटा पीरियड है ना। सेकंड में कितने मिल जाए आपको, आठ मिल जाए, और थर्ड में भी कितने मिल जाए, आठ मिल जाए। तो दोनों शॉर्टेस्ट तो नहीं है लेकिन शॉर्ट है, ये सबसे छोटे नहीं है लेकिन छोटे हैं ये, इसलिए हम सेकंड और थर्ड पीरियड को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड। अब आए फोर्थ में, देखें कितने एलिमेंट्स आपको मिल जाए, यस 18 एलिमेंट्स आपको उसके अंदर मिल जाए, और फिफ्थ में भी आप देखेंगे तो 18 ही मिलेंगे। तो ये लंबे हैं पीरियड्स हैं, तो ये फर्स्ट, तो फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड दोनों को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉन्ग पीरियड और एक को क्या कहते हैं, सेकंड लॉन्ग पीरियड। नाउ समझ में आ रही क्यों नाम रख रहे हैं इसका। छठे पीरियड में एलिमेंट्स देखो कितने हैं आपको, 18 ही दिखेंगे, उसको तो थर्ड लॉन्ग पीरियड होना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं, 18 नहीं है, 32 एलिमेंट्स हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर 32 कहाँ से, यस 57 के बाद, कल बताया था ना 72 आ जाता है डायरेक्ट, तो 57 के बाद वाले एलिमेंट आपको यहाँ नीचे दिखते हैं, और यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं गिन लोगे खुद ही तो पता लग जाएगा, 14। तो ऊपर 18 नीचे 14, तो 18 और 14 को ऐड करो 32 आ जाएगा, ये 32 एलिमेंट। क्या इतना लंबा कोई पीरियड है, नहीं है, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे लंबा पीरियड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा ये, सबसे लंबा है ये। सेवन्थ पे आएंगे तो बच्चों देखो इसमें, अच्छा ये मैंने बताया था ना कि जब हमारी बुक बन रही थी ना, उस वक्त जिस वक्त आपकी बुक लिखी गई 9th क्लास की, उस वक्त नए नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, मतलब कुछ कुछ एलिमेंट आखिरी के एलिमेंट डिस्कवर किए जा रहे थे, तो उस वक्त तक डिस्कवर हुए ही नहीं थे। तो क्या किया गया, इस पीरियड का नाम किताब वालों ने दे दिया इनकम्प्लीट पीरियड। अगरचे अब जाकर सन 2021 में आप जी रहे हैं, आपकी किताब ये वाले जो बनी थी, क्योंकि जब मैंने 9th क्लास में था तो सबसे पहले ये किताब आई थी, मैं 9th क्लास में जैसे ही आया था, ये 2006 की बात है, तो 2006 में ये बुक जो है वो 9th क्लास की आपके मेरे पास फर्स्ट टाइम छप के हमारे हमें मिली थी। उसके बाद आप लोगों को 2006 से 2021 बहुत लंबा अरसा हो गया, मुझे 9th क्लास पढ़े हुए बहुत लंबा अरसा हो गया जब मैं आपकी एज का था, तो उस वक्त तो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन अब 2021 में जाकर ये एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, तो अब ये इनकम्प्लीट पीरियड नहीं है, लेकिन हम बुक को फॉलो करते हैं हमेशा। तो जिस वक्त बुक लिखी गई थी उस वक्त तो इनकम्प्लीट ही था, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको इनकम्प्लीट पीरियड ही कहते हैं सेवन को, क्लियर है। अगरचे अगर हम गूगल से पूछेंगे तो गूगल बाबा ये बोलेंगे कि नहीं भाई ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कम्प्लीट है, चूँकि गूगल तो हर रोज़ाना चेंज हो रहा होता है, रोज़ाना क्या घंटे में चेंज हो जाता है। दिलीप कुमार है ना इंडिया के एक अदाकार, उनकी वफ़ात हो गई आज ही, अच्छा कल सुबह हुई थी, कल सुबह हुई है, तो उस वक्त वो सुबह 6 बजे तक दिलीप कुमार की डेथ विकिपीडिया शो नहीं कर रहा था, 8 बजे आप खोलोगे तो उसी में बोल देगा भाई मर गई है, मतलब फ़ौरन से अपडेट हो जाता है, वो एक दिन के अंदर अपडेट हो जाता है, कोई बंदा मरा डायरेक्ट गूगल पे जाओगे बता देगा भाई ये बंदा मर चुका है। आप बोलोगे सर इतने जल्दी तो कैसे पता लगा, तो इंटरनेट पर तो बहुत जल्दी अपडेट हो रही होती चीज़ें, ऐसे ही है ना भाई, रोज़ाना की तादाद में अपडेट हो रही होती है, तो लेकिन बुक तो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, दोबारा किताब छपेगी उसके बाद फिर होगी, बहुत लंबा काम है। तो ये फर्स्ट से लेकर सेवन्थ पीरियड, सर पीरियड नंबर बताता क्या है आपको, व्हाट डस पीरियड नंबर शोज यू, पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, पीरियड नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, कि किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ये आपको बताता है पीरियड नंबर, शेल्स कितने। मैंने अगर आपको एटॉमिक का ड्राइंग ऑफ एटम का एक कॉन्सेप्ट दिया था थोड़ा सा, अगर आपको याद हो, या नॉर्मली आप एटम्स जो प्राइमरी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं सेकेंडरी, एटम्स क्या होते हैं कि न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे शेल्स होते हैं, उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है, ऐसे ही होता है ना, सर्कुलर शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं। अब कितने शेल या कितने ऑर्बिट होंगे ये आपको पीरियड नंबर से डायरेक्टली पता लग सकता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर सोडियम देखूँ, अगर मुझे विदाउट उसको ड्रॉ किए हुए, कि मैं उसको ड्रॉ नहीं करना चाहता, बिना ड्रॉ किए अगर मुझे बताना हो, बिना ड्रॉ किए अगर मुझे ये बताना हो, ये समझना हो कि कितने शेल्स इस सोडियम में होंगे, तो बच्चों जस्ट हम क्या देख लेंगे, जस्ट हम ये देख लेंगे कि सोडियम किस शेल का है, किस पीरियड नंबर का है, किस पीरियड का है सोडियम, सेकंड का है, थर्ड का है, थर्ड का है ना, थर्ड का है, सेकंड शॉर्ट पीरियड कहलाता है लेकिन है तो थर्ड पीरियड। तो सोडियम के पास कितने शेल होंगे, 3 शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे उसके पास। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कैल्शियम एक एलिमेंट है, कैल्शियम के पास कितने शेल होंगे,
फोर्थ पीरियड क्या है, तो चार शेल होंगे उसके पास। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ दिस आयोडीन, आयोडीन के पास कितने शेल होंगे? पाँच शेल होंगे। तो पीरियड नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स। तो मैंने यहाँ पर जो आपको जो फोटो स्टेट प्रोवाइड किया, आपके पास भी लिखा होगा ये कि पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और ग्रुप नंबर भी कुछ चीज़ बता रहा होता है आपको, हर एक पीरियड टेबल के अंदर कुछ ग्रुप्स भी होता है ना हमारे पास। तो ये जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर आपको क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एलिमेंट। वैलेंस शेल और लास्ट शेल एक ही बात है, आखिरी शेल को लास्ट शेल या वैलेंस शेल कहा जाता है, कि किसी एटम के लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इससे हमें पता लग जाता है कि उसका ग्रुप नंबर से हमें ये बात पता लग जाती है। मिसाल के तौर पे ये मैग्नीशियम, ये एलिमेंट देख लो, मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप कौन सा है इसका? थर्ड ग्रुप, ग्रुप पीरियड नहीं कह रहा हूँ, सेकंड ग्रुप का है। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके लास्ट शेल में, इसके वैलेंस शेल में। जब इसके एटम ड्रॉ करेंगे तो उसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, बना नहीं रहा मैं, लेकिन होते दो ही इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। जब हम बनाना सीखेंगे तो उस वक्त पता भी लग जाएगा कि दो ही आ रहे हैं। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीन इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लास्ट सेल में। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फोर इलेक्ट्रॉन होंगे। पोटेशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वन इलेक्ट्रॉन होंगे। यस, समझ वाली बात। ग्रुप नंबर से आपको पता लगेगा कि लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और पीरियड नंबर आपको बताता है टोटल सेल कितने हैं, और ग्रुप नंबर बताता है लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के। और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को पता करके ही आप वैलेंसी भी बता सकते हैं। वैलेंसी हम किसे कहते हैं? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज एक्चुअली, वैलेंसी केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एटम टू कंप्लीट ऑक्टेट। किसी भी एटम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस करने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट वी कॉल्ड वैलेंसी। देखो, हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, एवरी एटम वांट्स टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने से मतलब मुस्तहकम होना, ताकतवर होना, मजबूत होना, तंदुरुस्त होना, तवाना होना, स्टेबल होना। जिस तरह हर इंसान स्टेबल होना चाहता है ना, एवरी पर्सन ऑफ यू वांट टू बिकम स्टेबल। दैट्स व्हाई आप क्लास में आकर बैठे हैं, है ना, कि आपके आपके मदर, आपके फादर ने, आपके पेरेंट्स ने जो है वो आपको इसलिए भेजा है कि आप यहाँ पढ़ें, क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हैं। एक इंसान स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? एक इंसान स्टेबल होने के लिए क्या करता है? वो पढ़ाई करता है, वो मुताला करता है, वो डिग्रीज लेता है, वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो कॉलेज जाता है, वो कोचिंग जाता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो स्कूल जाता है, वो ट्यूशन जाता है, वो पढ़ता है, इम्तहान देता है, टेस्ट देता है, लिखता है, तब जाकर स्टेबल होता है। फिर जॉब मिलती है, कमाता है, तो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही है ना भाई, एक इंसान स्टेबल ऐसे होता है, स्टेबिलिटी इंसान की ऐसे है। लेकिन एक एटम की स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं है। एक एटम कैसे स्टेबल होता है? एटम स्टेबल होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। अब ऑक्टेट क्या चीज़? ऑक्टेट क्या मतलब होते हैं? एट इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल। लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करके वो स्टेबल हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके हर एटम के लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो, कभी कभार उसको मुकम्मल करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो कुछ लोग होते हैं वो पहले से स्टेबल होते हैं, नोबेल फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं ना, नोबेल जो आला घराने के लोग होते हैं, नोबेल फैमिलीज लाइक भुट्टो फैमिली या शरीफ फैमिली, है ना भाई, अब वो लोग पहले से स्टेबल हैं। अब बिलावल भुट्टो को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको नहीं ज़रूरत है कि वो पढ़े और मुताला करे और डिग्रीज जमा करे। वो नहीं भी जमा करेगा तो इतने पैसे हैं कि बैठ के खा सकता है ना भाई। नवाज शरीफ है, उसके हमदा शहबाज शरीफ को ज़रूरत नहीं है पैसों की, उसके इतने पैसे उसके चाचू और अब्बू के पास हैं कि टेंशन ही नहीं है, वो 100 साल भी खा सकते हैं आराम से बैठ के। तो वो नोबल फैमिलीज़ हैं, आला घराने हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल हैं। ऐसे ही होता है ना भाई, अगर आपके अब्बू के भी किसी बहुत बड़ी कोई मिल होती, बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री लगी होती,
तो फिर आप भी नहीं आते पढ़ने के लिए। पता है कि चलो मसला ही नहीं है, हमें तो अबू के कारखाने में ही जाना है, अबू का मिल लगी हुई है, मसला ही नहीं चल रहा है। लेकिन पढ़ रहे इसलिए आकर के ख़ुद को स्टेबल करना, क्योंकि हर शख्स के फादर की मिल नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगी हुई है बड़ी, और करोड़ों में नहीं कमा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमें स्टेबल होना पड़ता है। प्रोडक्ट टेबल में भी कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, नोबल गैसेस से, जो ऑलरेडी स्टेबल हैं। जैसे एट ए ग्रुप, लास्ट में ही दिख रहा है आपको, ये देखो एट ए ग्रुप, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एट इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। इसके एट इलेक्ट्रॉन पूरे पहले से ही पूरे, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेहनत करे, जतन करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करे। तो एट ए ग्रुप वाहिद है कि जो अपना ऑक्टेट इनका पहले से कंप्लीट होता है, बाकी किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बाकी तो नहीं है ना, किसी के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पाँच, किसी के छः, किसी के सात, आठ तो सिर्फ एक ही ग्रुप के हैं। तो एट ए ग्रुप को छोड़कर बाकी सबको क्या करना पड़ता है? अपनी लास्ट सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए, और उसके लिए उनको इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन हासिल करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, दोनों से काम करना पड़ता है। क्या टू कंप्लीट के बाद मैंने लिखा है यहां पर ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब एट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब एट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए वन ए ग्रुप, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, या हम उसको रिवर्स से आते हैं, रिवर्स आता हूं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सेवन ए ग्रुप, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेवन इलेक्ट्रॉन। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये दो काम कर सकता है, या तो सात इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो शैली ख़त्म हो जाएगा, पिछला शैल फुलफिल्ड होता है, या तो सात इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा काम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ज़्यादा आसान क्या है, सात इलेक्ट्रॉन दे देना कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वैलेंसी, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वैलेंसी माइनस में आती है, इसलिए हैलोजन्स की वैलेंसी मैंने ऊपर लिखी है ब्रैकेट में कि वो होती है माइनस वन। सिक्स ए ग्रुप वाले क्या करेंगे, छः दे देंगे कि दो ले लेंगे? दो ले लेंगे, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, माइनस टू, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये वैलेंसी है सिक्स ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की। फाइव ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, लास्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन से, फाइव ए ग्रुप के है ना, लास्ट में फाइव इलेक्ट्रॉन है, या तो ये पाँच दे देंगे या तीन ले लेंगे, क्या करेंगे? तीन ले लेंगे, वैलेंसी माइनस थ्री आती है इस वजह से। फोर ए ग्रुप के एलिमेंट्स, इसके लास्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, अब ये चार ले लेंगे कि चार दे देंगे? दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों बराबर है, चार लेना और चार देना दोनों इक्वल है ना, तो इसलिए इनकी वैलेंसी मैंने यहाँ पर लिखी है प्लस माइनस फोर। तो ये प्लस माइनस फोर लिखा होगा, प्लस फोर भी होती है माइनस फोर भी होती है, चार ले भी सकते हैं चार दे भी सकते हैं। अब आ जाओ थ्री ए ग्रुप, इनके लास्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, पाँच ले लेंगे या तीन दे देंगे? अब ये तीन दे देंगे तो वैलेंसी हो जाएगी उसकी प्लस थ्री। टू ए ग्रुप, इनके लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, छः ले लेंगे कि दो दे देंगे? दो दे देंगे तो वैलेंसी प्लस टू। वन ए ग्रुप, सात ले लेंगे कि एक दे देंगे? एक दे देंगे तो वैलेंसी क्या होगी इन सबकी? प्लस वन। बस उनमें वैलेंसी किसे कहते हैं, तो प्रोडक्ट टेबल से आपको वैलेंसी भी पता लग जाती है, और एक सीक्वेंस चल रहा है देखा जाए तो, अगर रट्टा मारना है तो सीक्वेंस है रट्टा मारने पे, वन टू थ्री फोर, फिर उल्टा चलो, थ्री टू वन ज़ीरो, वन टू थ्री और फोर, फिर थ्री टू वन ज़ीरो। तो वन टू थ्री फोर वाले शुरू में सब में प्लस आ गया, और आखिरी में सब पे जब उल्टा चल रहा है तो फिर माइनस आ गया, याद भी हो जाएगा ऐसे। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा देने का इलेक्ट्रॉन लेने का, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एट ए ग्रुप की वैलेंसी जीरो है, एंड वाई दे हैव गॉट जीरो वैलेंसी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, वो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट ऑलरेडी स्टेबल है, उसको ना देना है इलेक्ट्रॉन ना लेना है, तो उसकी वैलेंसी जीरो है। क्लियर है, समझ में आएगी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट? ये बहुत इस्तेमाल होगा जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, जब हम केमिकल इक्वेशंस को बनाएंगे, तो वैलेंसी का बहुत इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं आपको इक्वेशंस को रटना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि उसको बनाया कैसे जाता है। एक साइंटिस्ट को ऐसे बनाता है एक इक्वेशन को, रट तो कोई भी लेता है कराची में, उसमें क्या, तो घर बैठ के भी रट सकते थे, उसमें क्या था, कोचिंग आया तो समझ के करोगे तो फ़ायदा होगा ना। अच्छा अब यहाँ पर आओ, तो हर ग्रुप का एक स्पेशल नेम भी होता है बच्चे, ये भी मैं तुम लोगों को बताऊँ, हर ग्रुप का स्पेशल नेम, जैसे वन ए ग्रुप तो नाम है, वन ए ग्रुप को एक और नाम हम दे देते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम क्या कह देते हैं, अल्कली, अल्कली मेटल्स। ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, पहली बात तो ये धातु होता है, मेटल्स के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। और अल्कली क्यों, चूँकि इससे बेस वगैरह बनाते हैं, मतलब बेस से मुराद जो साबुन वगैरह होते हैं ना, उसके कंपाउंड्स वो बन रहे होते हैं, दैट्स व्हाई अल्कली मेटल्स। और टू ए ग्रुप वाले कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
ये भी सेम मेटल्स होते हैं सारे के सारे, लेकिन ये जमीन के अंदर से निकलते हैं, दैट्स वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं ये, दैट्स वाई अर्थ मेटल्स हैं ये। थ्री ए ग्रुप का हम एक और स्पेशल नेम, अच्छा बाकी ग्रुप्स का नाम उनके हेड ऑफ द फैमिली, उनका फर्स्ट मेंबर है उसके लिहाज से दे रहे होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है बी बोरॉन, तो बोरॉन फैमिली हो गया। फोर ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है कार्बन, तो कार्बन फैमिली। फाइव ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। सिक्स ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फैमिली। सेवन ए ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है वो हैलोजन नहीं है, फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम हम दे रहे होते हैं। इसका स्पेशल नाम हम लिखते हैं क्या बच्चों, हैलोजिन। हैलोजिन दो वर्ड से निकला है, हेलो के मतलब होते हैं सॉल्ट और जिन के मतलब होता है फॉर्मर। हेलो मतलब होता है सॉल्ट नमक, और जिन के मतलब होता है जनरेटर या प्रोड्यूसर फॉर्मर। सॉल्ट फॉर्मर नमक बनाने वाला, क्योंकि सेवन ए ग्रुप के एलिमेंट्स से नमक बनते हैं। जैसे सेवन ए में आपको सी एल दिख रहा है क्लोरीन, तो नमक बनाने में इस्तेमाल होता है, NaCl का फॉर्मूला होता है ना नमक, इसलिए उसको हैलोजिन्स कहा जाता है इन तमाम एलिमेंट्स को सेवन ए के। क्यों? बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स, ये सब सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। हैलोजिन्स सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, सॉल्ट फॉर्मर्स, सॉल्ट जनरेटर्स, तो हैलोजिन्स। समझ में आ गई बात? एट ए ग्रुप का जो नाम होता है, एट ए ग्रुप को हम अलग अलग नाम देते हैं, इनको नोबल गैसेस कहते हैं। एट ए ग्रुप को, एट ए ग्रुप जो यहाँ पर है, इनको एक तो नोबल गैसेस कहा जाता है, आला गैसेस, मैंने बताया कि आला गैसेस हैं, बहुत आला, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ना। नोबल मतलब होता है आला, जैसे मतलब भुट्टो फैमिली एक आला फैमिली, तो नोबल फैमिली गैसेस के जो है वो नोबल गैसेस सारे के सारे गैसेस हैं, हीलियम नियॉन आर्गन सारे गैसेस हैं, और नोबल गैसेस से मुराद आला हैं। आला से मुराद ये कि इनको ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की, ये पहले से ऑलरेडी स्टेबल है। इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी वैलेंसी जीरो है। इसी को हम लोग नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। नॉन रिएक्टिव गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, इनका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट होता है, तो उनको रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो एट ए ग्रुप जो सबसे कोने में है ना, सबसे राइट पे, वो सारे के सारे रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं लेते। तो अल्कली मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजिन्स, नोबल गैसेस, तो सबके स्पेशल हैं। वन ए टू ए भी कह सकते हैं। अच्छा इसके अंदर भी आ जाओ, अगर थ्री मतलब बी वाले के अंदर, तो यहाँ पर वन बी का एक स्पेशल नेम होता है, इसको अलग बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ये वाले कॉपर सिल्वर गोल्ड, क्योंकि इन सबसे क्वाइंस बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, तांबे का, चांदी का, सोने का सिक्का होता है ना, इसलिए इसको क्वाइनेज मेटल कहते हैं। बिकॉज इनसे क्वाइंस की प्रोडक्शन की जाती है, इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, तो इसका वन बी का एक स्पेशल नाम है। बाकी सबकी ज़रूरत नहीं, याद रखें आप, जितने बताएं उतना काफ़ी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है। अब उसके बाद एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे, जो मैंने आपको कल बता रहा था, एटॉमिक नंबर मास नंबर, इस पे थोड़े से डीलिंग करते हैं। ये मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है सारा, 1, 2, 3, 4 करके ये टोटल 118 तक गया हुआ है। और एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग सकते हैं कि एटम में कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है ना भाई। भाई ये कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है ना यहाँ पर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब प्रोटॉन कितने उसके पास हैं 20, और इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास में 20 ही होंगे, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लास्ट शेल में, यस महानूर यू आर राइट, लास्ट शेल में दो हैं, लास्ट शेल में दो है ना, बिकॉज तभी तो टू ए ग्रुप का है। टोटल शेल कितने होंगे इसके पास, चार होंगे, बिकॉज फोर्थ पीरियड का है। सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, अभी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस देखते जाओ। अब देखो ये 20 उसका एटॉमिक नंबर है, 40 जो है ना वो इसका मास नंबर है, और मास नंबर के बारे में बताया था कि अच्छा एटॉमिक नंबर तो जेड से शो करता है, जेड हमारे पास क्या होता है एटॉमिक नंबर, और कैपिटल ए से हम शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड मास नंबर, और मास नंबर आपको क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद कितनी है वो मास नंबर है। तो 40 से मुराद के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिक्स अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल तादाद 40 होती है, क्योंकि एटम के अंदर तीन ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में शेल में घूम रहा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसकी टोटल तादाद वो बताएगा ये आपका मास नंबर जो ऊपर लिखा होता है। आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर कम से कम 20 तक कैल्शियम तक तो याद होने चाहिए। अब इसके लिए भी एक नॉर्मल सी एक चीज़ है, एक नॉर्मल सी ट्रिक है, उसको आप याद रखें ताकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स अगर आपको याद हो सके।
ठीक है जी, जैसे देखें एटॉमिक नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, दो तरह के नंबर होते हैं इवन ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? भाई देखो मुझे तो बचपन में मुझे भी याद बात नहीं होता था, देखो दो तरह के नंबर हैं, एक ऑड होता है एक इवन होता है, उसको याद रखने का सिंपल तरीका है। ऑड में कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3 लेटर्स हैं, और इवन में 1, 2, 3, 4 लेटर हैं, 3 लेटर्स हैं ना, क्या 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ऑड वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। और इवन में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 लेटर्स हैं ना, तो क्या 4 2 से डिवाइड होता है? इवन 2 से, इवन नंबर 2 से डिवाइड होने, ऐसे याद हो जाते हैं। कैसा? ऑड में कितने? ओ डबल डी 3 है ना, तो 3 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऑड भी 2 से डिवाइड नहीं होता। इवन में ई वी ई एन 4 नंबर है, 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ये पंचायत चुके रहती है, आपको पता है, जैसे ही चीज़ें बोलते हैं ना ऑड, तो बच्चा ज़रूर सोचता है कि यार या तो 2 से डिवाइड होने वाला है या तो नहीं होने वाला है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा होता उसको। ऐसा हो जाता है ना कभी, कन्फर्म नहीं हो रहा होता, कभी इवन ऑड मिक्स हो जाते हैं। पता तो ज़रूर होता है कि 2 से कुछ रिलेशन है इसका, इवन और ऑड नंबर का, लेकिन क्या रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कन्फर्म नहीं हो रहा होता हमें। तो रिलेशनशिप इस तरह से याद रख लें, तो इवन और ऑड दो तरह के नंबर होते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन हो तो फिर आप क्या करें, तो मास नंबर क्या होता है? बस डबल हो जाता है, डबल कर देंगे मास नंबर हो जाएगा। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो फिर आप क्या करेंगे, डबल करके 1 ऐड कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो फिर आपका ये काम बन जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, अभी सब देख कर ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, पहले देखो हीलियम एच ई एटॉमिक नंबर 2, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का ये इवन है कि ऑड है? इवन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? इसका पर डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, 4 ही होता है। 11 इवन है कि ऑड है? डबल करके 1 बढ़ा दो, डबल करना, 11 टू ज़ा 22 और 1 ऐड किया प्लस 23 होता सोडियम का। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी ज़िंदगी में, ठीक है, रूल्स याद रखें। अच्छा आप देखें, जैसे कि हीलियम का मैंने बता दिया, हीलियम का 2 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएँ तो लिथियम की बात कर लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मास नंबर कितना निकलेगा इसका? 7 निकल जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो मास नंबर कितना निकलना चाहिए इसका? अच्छा, बोरॉन का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 5 है, तो मास नंबर कितना निकलना चाहिए? 11। यस, यहाँ पर कुछ जगहों पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, मैंने रेड कलर से यहाँ पर अगर आप देखो तो लिखा हुआ है, तो बेरिलियम में एक्सेप्शन आता है, सॉरी, तो यहाँ पर 4 है ना, तो डबल करके 1 बढ़ जाता है इसमें इवन पर, तो मैंने क्रॉस लगा दिया तभी रेड से लिखा है। तो ये एक्सेप्शनल रूल है, इवन पर भी इसमें डबल करके 1 बढ़ा रहे, 2-3 जगहों पर आता है ये। कार्बन 6 है, तो क्या हो जाएगा? 6 इवन नंबर है तो डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 है, अच्छा यहाँ पर ऑड है तो होना क्या चाहिए? 15 होना चाहिए, डबल करके 1, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन लगता है, तो ये 7 का 14 ही होता है, डबल कर रहे होते हैं इसमें, डबल करके 1 बढ़ा नहीं रहे होते। ऑक्सीजन का 8 है, इवन है, क्या होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए, 16 है। फ्लोरीन का 9 है, डबल करके 1 बढ़ा देना चाहिए, डबल किया तो 18, 1 बढ़ाया तो 19। इस तरह नियॉन का 10 है, डबल कर देना चाहिए, डबल कर दिया तो 20। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि इवन और ऑड नंबर के बारे में, तो वो मैं चला रहा था वहाँ तक जैसे चला गया था नियॉन तक। इस तरह से अगर हम सोडियम पे हैं तो 11, ऑड है डबल करके 1 बढ़ा दिया 23। मैग्नीशियम 12, इवन है जस्ट डबल कर दिया 24। एल्युमिनियम 13, ऑड है डबल करा 26, 1 बढ़ाया 27। सिलिकॉन 14 है, डायरेक्ट डबल कर दिया, इवन है ना, तो डबल कर दिया तो 28। फॉस्फोरस 15, ऑड है डबल करा 30, 1 बढ़ा दिया 31। सल्फर 16, इवन है डबल कर दिया 32। क्लोरीन में फिर एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन क्या आ रही है हमारे पास, कि यहाँ पर हमारे पास 6, ये 17 है इसका एटॉमिक नंबर, तो होना चाहिए था 17 का बस डबल करके बढ़ाना चाहिए था 35 होना चाहिए था, लेकिन होता है इसका 35.5 की कहानी कभी आगे किसी लेक्चर में मैं बताऊंगा, अभी 0.5 की कहानी नहीं सुना रहा आपको कि क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट में और किसी के नहीं है, बस क्लोरीन के होते हैं। वो क्यों होते हैं वो आगे जब मैं एवरेज एटॉमिक मासेस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहाँ आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों होता है, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। आर्गॉन 18, यहाँ पर भी एक्सेप्शन लगता है थोड़ा सा, 18 का 36 होना चाहिए ना, 18 का डबल 36 है, लेकिन उसका डबल करके भी दो ज़्यादा होता है इसमें, 18 का डबल किया 36 और फिर 4 और ज़्यादा 40, तो 40 होता है आर्गॉन का,
ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एक्सेप्ट है ना। पोटेशियम का 19 ऑड है, डबल किया 38, एक बढ़ाया 39। कैल्शियम का 20 इवन है, डबल कर दिया कितना हो जाएगा 40। तो एटलीस्ट कैल्शियम तक आप सबको तो याद होने चाहिए, बाकी आगे की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, तो मैंने आगे लिखे भी नहीं है। मास नंबर्स नहीं लिखे, अटोमिक नंबर्स लिखे हैं, ऐसे ही ना आपकी शीट में भी ऐसे ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अटोमिक नंबर मास नंबर कैसे निकालते हैं, अटोमिक नंबर से मास नंबर, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ वहाँ मैंने बता दिया कि बेटा यहाँ पर परेशान मत होना, एक्सेप्शन है। रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, रूल्स और लॉज में फ़र्क ही है, ये रूल्स ब्रेक हो जाते हैं लेकिन लॉज ब्रेक नहीं होता। तो ये रूल था कि डबल करके एक बढ़ा दो, ये रूल कहीं कहीं पे फेल भी हो जाता है, उसको कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत सारों के लिए आसानी भी हो जाती है, कुछ जगहों पर फेल हो गया उसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ बच्चों हम देखेंगे इसमें ग्रुप्स वगैरह और वो, तब जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को देखने के बाद, जो कल जो एक सवाल हो रहा था कि ये मानूर ने किया था ना कि वो क्रॉस लाइन के बारे में, ये जो लाइन जो डली हुई है वो क्यों डली हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं हम कहते हैं वो तीन तरह के हैं, या तो वो मेटल हैं, या तो वो नॉन मेटल हैं, या तो फिर वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड से मुराद क्या है? मेटलॉइड से मुराद हमारे पास होते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स मतलब 50% मेटल एंड 50% नॉन मेटल। तो एलिमेंट्स 118 है ना टोटल, 118 एलिमेंट्स को हमने अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया। कुछ हो गए मेटल, मेटल से मुराद समझ लो बहुत हार्ड सी कोई चीज़, लोहा वगैरह, ये मेटल है। नॉन मेटल से मुराद कुछ थोड़ी सॉफ्ट सी चीज़ कोई, जैसे कोयला वगैरह, वो नॉन मेटल हो गया, गैस वगैरह। और मेटलॉइड से मुराद सेमी मेटल, जो आधे मेटल आधे नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, उसको हम कहते हैं मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। या मेटल्स को इस तरह से भी कह सकते हैं, मेटल्स वो जिनसे करंट पास हो जाए, नॉन मेटल्स वो जिनसे करंट पास ना हो, और मेटलॉइड्स वो जिनसे करंट पास हो भी और ना भी हो। इसका मतलब कंडीशन डिपेंडेंट हो, कंडीशन डिपेंडेंट हो, कंडीशन भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे सर्किट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। आपने सुना होगा मोबाइल फ़ोन्स के अंदर प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, डुअल कोर, टहना क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और उसके फिर स्पीड वगैरह भी होती है, स्नैपड्रैगन फलाना, ठीक है, उसकी स्पीड होती है। कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में कुछ स्पीड्स होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि भाई वो पेंटियम 4 है, उसके पेंटियम कोर i5 है, कोई कोर i3 है, कोर i7 है ना भाई, स्कोर टूडियो है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, होता है ना ये सब लिखा होता है, इंटेल्स इनसाइड में नीचे लिखा होता है, और स्पीड होती है 3.2 GHz ऐसा करके लिखी होती है, ठीक है, 3 GHz गीगाहर्ट्ज, तो गीगाहर्ट्ज होती है, कभी 4 GHz होती है गीगाहर्ट्ज। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट उनको ज़्यादा बेहतर ये चीज़ समझ में आएगी, बाकी भी एक कॉमन सी बात है, पता लग रहनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि उसमें एक चिप जो होती है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में एक तार होती है, वो तार एक गई हुई होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम की, वो एक तार होती है, वो तार सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी मेटलॉइड की होती है, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों मेटलॉइड हैं। इनमें क्या होता है कि जब ये तार गर्म होता है तो करंट पास होता है, जब ये तार ठंडा होता है तो उसे करंट पास नहीं होता, गर्म और ठंडे का फ़र्क होता है उसके अंदर। गरम गरम है तो करंट पास हो रहा है, ठंडा है तो करंट पास नहीं हो रहा, ज़रा समझना है उसको। अच्छा, कंप्यूटर जो है ना वो जो ज़बान समझता है वो हमारी ज़बान नहीं समझता। जैसे मैं आपसे बात करूँ ना, आप मेरी बात ऐसे समझ जा रहे हो, उर्दू बोलना आप समझ जा रहे हो, कंप्यूटर ये नहीं समझता। कंप्यूटर एक अलग ज़बान समझता है, मशीन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, मशीन की ज़बान, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसमें दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं या दो ही नंबर्स हैं, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ज़बान समझता है, सुना होगा आपने ऐसा कभी, 0-1 के अलावा कोई ज़बान ही नहीं समझता। वो जो आप बोलोगे वो अपने तौर पे 0-1 में कन्वर्ट, उसको समझ ही में नहीं आएगा, वो 0-1 में कन्वर्ट कर देगा उसको। मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने यहाँ पर इनपुट देते हैं, फिर ये ब्रेन में जाते हैं कंप्यूटर के, फिर यहाँ से आउटपुट निकल जाता है। अब इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी आपके पास हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस में आपके पास जो सबसे सेम मेन डिवाइस है कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट देते हैं ना उसे, डेटा इनपुट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस में आपके पास जैसे मॉनिटर, मॉनिटर तो पुराना ज़माना हो गया, एलईडी, अब ये सही है आजकल,
तो एलईडी जो लगी हुई, एलसीडी जो लगी हुई है, वो जिसको मॉनिटर पहले कहते थे, तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, उस पर आउटपुट आता है ना सामने, इनपुट आप देते हैं कीबोर्ड वगैरह से, माउस वगैरह से, आउटपुट आपका मॉनिटर पे आ जाता है, प्रिंटर पे भी आ सकता है, मतलब बाहर जो चीज़ आ रही है। तो इनपुट से अच्छा, आप ए दबाते हैं, आपने ए दबा दिया, आपने क्या किया, ए दबा दिया, कीबोर्ड पे ए दबाया, मॉनिटर पे ए लिखा हुआ आ जाता है सामने एलईडी पे, ऐसे ही होता है ना। या मोबाइल फ़ोन पे आप ए दबाते हैं स्क्रीन, तो सामने स्क्रीन पे ए लिखा हुआ जाता है, लेकिन उस बीच में बहुत कुछ होता है। अब ए जाता है पहले कहाँ पर, प्रोसेसर पे जाता है, ब्रेन ऑफ सीपीयू जिसको बोलते हैं। अब वो इस ए को क्या करेगा, इस ए को अपने ज़बान में कन्वर्ट करेगा। अब एक अल्फ़ाबेट जो है ना, वो 8 बिट्स पे या 8 नंबर्स पे कन्वर्ट होता है, 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए जो है ना, ए का ये जो है वो बाइनरी कन्वर्जन है, 1 0 1 1 1 1 1 0, कंप्यूटर ए को ये समझता है। तो जैसे ही हम ए दबाते हैं, तो मॉनिटर तो कीबोर्ड से निकल कर वो जाता है कंप्यूटर में, या जो सीपीयू है मोबाइल के अंदर, उसमें जाकर वो इस तार में पहुंचता है। अब इसको समझना है कि अभी तार ठंडा और गर्म होता है टेम्परेचर में। अब अगर 1 है तो ऑन है, 0 है तो ऑफ है, ऑन ऑफ स्विचेस उसको हम कहते हैं। जो बड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसको समझने के लिए कि कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ये तो बहुत बड़ी दास्तान है, मैं तो छोटा सा 9 क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि होता क्या असल में। अब 1 0, उसके बाद 5 बार 1, उसके बाद 1 बार 0। अब ये क्या है कि हॉट एंड कोल्ड है, या ऑन और ऑफ है, 1 मतलब ऑन है, 0 मतलब ऑफ है। तो ये तार एक बार और इस बार से करंट गुजरता है, फिर एक बार रुकता है, फिर 5 टाइम गुजरता है, फिर एक बार रुक जाता है, उसके मतलब 1 0 1 1 1 1 1 0, इस तरह से कोड बनता है इसके अंदर। एक बार आपने ए दबाया, वैसे ही ये तार डिकोड करेगा उसको, ऑन ऑफ करेगा, 1 0 1 1 1 1 1 0, उसको पता लग जाएगा ए लिखा है बंदे ने, फिर वो उसको वहाँ से भेजेगा एलईडी पर, फिर आपके एलईडी पे ए लिखा आएगा। लेकिन ये एक सेकंड से भी कम लंबे में हो जाता है, माइक्रो सेकंड से भी पहले हो जाता है, आपके पलक छपकने से पहले ही आपके सामने ये लिखा हुआ होता है, ऐसे ही होता है। मतलब कीबोर्ड से निकले डेटा, वो गया सीपीयू में, सीपीयू ने उसको ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ किया तार को, फिर वो निकला आपके मॉनिटर पे एलईडी पे, और फिर सामने ये लिखा है। लेकिन इतनी तेज़ी में बिजली की तेज़ी से होता है कि आपको पता नहीं लगता, आपको लगता है मैंने यहाँ लिखा और सामने स्क्रीन पर आया, लेकिन ये काम बहुत स्पीड में होता है, चूँकि एक सेकंड में कई बार ये काम कर सकता है। हर्ट्ज किसे कहते हैं पता है, हर्ट्ज आप फिजिक्स में पढ़ोगे, साइकिल पर सेकंड। एक हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में एक बार ऑन ऑफ हो जा रहा है, एक साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम था एचजेड हर्ट्ज कहलाता है। हर्ट्ज के बाद होता है किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 1000 बार ये ऑन ऑफ हो सकता है, तो 1 KHZ है। बहुत पुराने जमाने के कंप्यूटर होते होंगे 1 KHz के, अच्छा 50 साल पहले बने होंगे। उसके बाद होता है मेगा हर्ट्स, 1 MHz, मेगा हर्ट्स में क्या होता है, 1 0, उसके बाद 1 3 बार और 0, इतने हर्ट्स, इतने साइकिल पर सेकंड, तो ये 1 MHz है। यूनिट 1000 काय दिहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख 10 लाख, 1 सेकंड में 10 लाख बार ये ऑन और ऑफ हो सकता है, मतलब ये 1 MHz का प्रोसेसर है। ये भी पूरे ज़माने पहले 5 रुपये का भी फोन खरीदेगा इसको, इतना बेकार है कि डब्बे वाला भी नहीं लेगा, ऐसा कंप्यूटर होगा ये। अब आ जाओ उसके ऊपर, 1 GHz, 0 0 0, 3 0 और लग गया तो गैगा हो गया, फिर ये 1 GHz, किलो मेगा फिर गैगा होता है ना, KB MB फिर GB होता है, फिर TB भी आता है आगे जाकर, ठीक है। तो इकाई दिहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 1 अरब बार 1 सेकंड में ऑन ऑफ हो सकता है। आजकल जो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर बनते हैं नॉर्मली, उसमें 3 GHz होता है, नॉर्मली 3 या 4 GHz के बीच में होता है। जो सस्ता सस्ता मोबाइल भी उठाओगे 10,000 वाला ना, 15,000 वाला, तो 3 GHz तो हो डाल ही देता है उसके अंदर, बाकी कुछ ऊपर भी होता है। 3 GHz मतलब 3 अरब बार, 300 करोड़ बार ये ऑन और ऑफ हो सकता है सिर्फ एक चुटकी बजाने में। और आप तभी तो इतने मिरेकल आपको करके देता है मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर, आप भी बोलते अंग्रेज़ लोग क्या इजाद करके चला गया भाई, हम देखते ही रहेंगे सिर्फ। मोबाइल भी चल जा रहा है, व्हाट्सएप चल जा रहा है, मैसेंजर चल जा रहा है, वीडियो चल जा रही है, कैमरा चल जा रहा है, कैमकॉर्डर चल जा रहा है, स्नैपचैट चल जा रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक सब चल जा रहा है, क्या है भाई ये, है ना भाई, क्या इजाद कर लें अंग्रेज, क्या डाल देते, ये सिस्टम है उसके अंदर असल। लेकिन उन्होंने सिर्फ तालीम को फोकियत दिया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बहुत चीज़ें ईजाद भी करके दिखाई, और हम बहुत कम देते हैं उसको फोकियत, तो हम चीज़ों को ईजाद नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही बेसिक नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है पीछे उसके, चल क्या रहा है ना। बहुत बेसिक बात है, हर कोई मोबाइल चलाता है, पता होना चाहिए ना क्यों गर्म हो रहा है मोबाइल इतना ज़्यादा पीछे से।
अब बोलो सर थोड़ा सा चलाते हैं बैग एकदम गर्म हो जाता है, तो काम इतना कर रहा है भाई वो, गर्म क्यों ना हो फिर वो। तो मेटालॉइड्स क्या है भाई? मेटालॉइड्स इसी तरह के तार मैंने बताया जो ठंडे और गर्म होते हैं, जो ऑन और ऑफ हो रहे होते हैं कंडीशन डिपेंडेंट पर। इसलिए मेटालॉइड्स से क्या करते हैं, सेमी कंडक्टर्स बनाए जाते हैं, इनसे सर्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग किस्म के, सिलिकॉन जर्मेनियम। इसीलिए जहाँ पर कंप्यूटर ज़्यादा बनता है ना उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। अमेरिका में एक पूरी जगह है उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है जहाँ पर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन सब के हेडक्वार्टर्स बने हुए बिल्डिंग्स हैं। एक पूरा एक टाउन, एक शहर है समझ जाओ, उसमें सिर्फ गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं बड़े बड़े। तो उसको पूरे इलाके को नाम देते हैं सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम चल रहा है। तो पूरा अमेरिका में सुना होगा आपने अगर उसका नाम, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो अमेरिका में सारे मोबाइल कंपनी सब एक साथ ही लाइन से जो कंप्यूटर कंपनी थे सारी। तो अब कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटालॉइड्स हैं, कुछ नॉन मेटल हैं। वापस आते हैं 9 क्लास में, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, तीन चीज़ें। अब कैसे पता लगेगा कौन सा मेटल है, कौन सा मेटालॉइड है, कौन सा नॉन मेटल है? सबसे पहले मेटालॉइड देखना पड़ेगा, मेटालॉइड्स कहाँ हैं। मेटालॉइड्स के लिए आप क्या करना है, आपका बोरॉन से यहाँ पर एक स्केल रखें आप, और स्केल को रखकर आप यहाँ से तिरछा एस्टेटिन तक खींच दें। कुछ एलिमेंट्स कट जाएंगे इसके अंदर, कट गए कुछ एलिमेंट्स। फिर दूसरी लकीर आप रखें यहाँ जी जर्मेनियम से, और यहाँ से काट दें पोलोनियम तक, कट गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, आ गए 8 एलिमेंट्स। अभी जो 8 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं ये सारे के सारे मेटालॉइड्स हैं जो इस एरो से कट गए, 8 कटे हैं। तो टोटल मेटालॉइड्स कितने हो गए पीरियोडिक टेबल में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये समझो बॉर्डर बन गया, बॉर्डर बन गया है ना, ये LOC बन गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया, ये कश्मीर बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान है। बड़ा तो इंडिया ही होगा, पाकिस्तान छोटा सा है तो राइट हैंड पे समझ जाओ, तो ये पाकिस्तान नहीं कह सकते ना उसको, पाकिस्तान तो छोटा है ना, तो राइट हैंड पे देखो। तो इस बॉर्डर की इस तरफ ये रहा पाकिस्तान दिख रहा है आपको, और बॉर्डर के यहाँ पर इंडिया दिख रहा है आपको बड़ा सा। तो इंडिया पाकिस्तान नहीं है ये, असल में ये हैं सारे मेटल्स, और ये बॉर्डर की इस तरफ आपको ये सारे क्या दिख रहे हैं, नॉन मेटल, और बॉर्डर के ऊपर खुद क्या है, मेटालॉइड्स। तो क्या सारी कहानी खत्म हो गई मेटल मेटल मेटालॉइड की, ये सारे मेटल। अब जो एलिमेंट है पढ़ते रहो, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, सब मेटल है, नाम वाम सब लिखे हुए। एरो के अंदर 8 आ गए मेटालॉइड, एरो के उधर जितने सारे नॉन मेटल। जिंदगी भर आप यही पढ़ते रहोगे केमिस्ट्री में, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यही होता है भाई, ठीक है। अब एक एक करके क्या पढ़ लें बेटा, लेंथेनम मेटल है बेटा, ये मेटल है बेटा, ये मेटल है, बस बता दिया ना, याद रख लो सारे इधर के नॉन मेटल, उधर के सारे मेटल्स, सॉरी इधर के मेटल्स, उधर के नॉन मेटल, बीच वाले सारे मेटालॉइड्स। समझ में आ गई बात, ये लकीर क्या है, कल सवाल आपने किया था ना, आज क्लियर है वो सवाल। अब उसके बाद एक और चीज़, सॉलिड लिक्विड गैस, ये भी तो देखना है कि सॉलिड कौन से, लिक्विड कौन से, गैस कौन से इसमें से। क्योंकि आपने सब लोहा देखा है, आपने कॉपर, चांदी, सोना देखा है, सब तो नहीं देखा, तो हमें कैसे पता सॉलिड कौन सा, लिक्विड कौन सा, गैस कौन सा। तो याद रखिएगा कि मेटल्स, मेटल्स जितने भी हैं सारे के सारे क्या है भाई, सॉलिड्स हैं, सवाए एक के। एक एलिमेंट ऐसा है जो सॉलिड नहीं है, और उसका सिंबल है HG, और वो क्या है, मरकरी। वो यहाँ पर आपको दिखेगा, दिखा है यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है मैंने आपके पास। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, ब्रैकेट मैंने लगाई इसलिए कि ये मेटालॉइड है। तो ये पूरी प्रोडक्ट टेबल मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तभी मैंने अपना नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने मतलब खुद पूरा बनाया है उसको अपने तौर पर, तभी मैंने अपनी अपनी चीज़ें उसके अंदर डाली हैं। पीछे देखो ना, ये थोड़ी ना लिखा होता है साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस, ये सब मैंने ऐसे ही बनाया ना, कभी आप इस तरह नहीं देखे होंगे, तो सब मैंने डिज़ाइन किया था कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें सारी। तो बच्चे सारे मेटल सॉलिड है सवाए मरकरी के, HG के। मरकरी लिक्विड होता है, कल बताया था थर्मामीटर में से जो निकलता है वो लिक्विड है, बाकी सारे। मेटालॉइड्स की बात करो बच्चों, अगर मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो 8 जो 8 के 8 हो गए सारे सॉलिड हो गए, क्लियर, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं है उसमें। मसला आता है नॉन मेटल पे, नॉन मेटल बड़े अजीब से हैं, चूँकि ये सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैस भी हैं। अब कौन से सॉलिड, कौन से लिक्विड, कौन से गैसेस, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो समझ लो, जिसको मैं ज़्यादातर इसके गैसेज हैं, कुछ सॉलिड है, जो सॉलिड है मैं उसको सर्कल बना दे रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ नॉन मेटल में से सॉलिड है। कार्बन, कोयला, पेंसिल की नोक, सॉलिड है, नॉन मेटल है और सॉलिड है। फॉस्फोरस, माचिस की तीली का बुरादा, सॉलिड है, हो गया भाई सर्किल हो गया।
सल्फर गंधक जो टंकी में डालते हैं पानी साफ करने के लिए, सॉलिड है। सेलेनियम, ये शैम्पू पे डलता है, ये भी सॉलिड होता है, मिक्स करके डाला जाता है। आयोडीन नमक में डाला जाता है, सॉलिड होता है। बस ठीक है, सारे ये सिर्फ सॉलिड इतने ही थे, और सॉलिड कोई नहीं है। सर्किल जो बना दिया वो सारे सॉलिड्स हैं। एक लिक्विड, अच्छा नॉन मेटल में हमारे पास एक लिक्विड भी है, लिक्विड सिर्फ एक है, वो कौन सा पता है? बी आर ब्रोमीन। ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। यहाँ पर देखो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है बी आर पे, ये वाहिद लिक्विड है। बाकी जो बच गया है जिसमें मैंने ना मैंने ब्रैकेट बनाया ना सर्किल बनाया, वो कौन से सारे नॉन मेटल गैसेज हैं? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, ये सब गैसेज हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस का सिंपल है, बड़ा आसान है। मेटल सारे सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड, एक को छोड़ दो, क्या मरकरी है, वो लिक्विड। मेटलॉइड सारे सॉलिड, आठों के आठ सॉलिड। गैसेस की, अच्छा नॉन मेटल्स की बात करें, कुछ सॉलिड्स, एक दो तीन चार पाँच, एक सिर्फ लिक्विड, बाकी सारे गैसेस। समझ में आ गए, स्टेट समझ में आ गए, सारे एलिमेंट की फ्री स्टेट में किस स्टेट पे होते हैं? अब भले आपने देखा हो नहीं देखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हैं सारे सॉलिड्स ही। कॉन्सेप्ट बता दिया ना मैंने आपको। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो यहाँ तक बात होगी, यहाँ तक मसला क्लियर है सारी चीज़ें। 7 बज गए, इस पर मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी करूँगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ हर एक स्टूडेंट से, 5 मिनट और लूँगा मैं आपके ऊपर, और मैं आपसे पूछूँगा जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ ज़रा दिखना। मैं जैसे कोई एलिमेंट आपको दिखा दूँगा, जैसे मैंने आपको ये कोई एलिमेंट दिखा दिया, कैल्शियम दिखा दिया। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम से मैं पूछ लूँगा, बताओ कैल्शियम का सिंबल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सी ए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पूछ लूँ 20, मास नंबर पूछ लूँ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 20, प्रोटॉन कितने होंगे टोटल 20, ठीक है ना? और इसका पीरियड नंबर क्या है? फोर्थ पीरियड का है। शेल कितने होंगे टोटल इसके पास? टोटल शेल 4 होंगे ना, जितना पीरियड नंबर उतना ही शेल, पीरियड इक्वल टू शेल। ग्रुप नंबर क्या है इसका कैल्शियम का? 2 है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंसी कितनी होगी? +2, पूरा बोलना +2 वैलेंसी। और ग्रुप इसका 2 ग्रुप नहीं है, 2A ग्रुप है, 2 नहीं है, 2A बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2B भी तो है, 2A पूरा बोलना पड़ेगा, 2B भी तो है, 2A है। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है क्या ट्रांजिशन है, अगर हम पूछेंगे तो क्या रिप्रेजेंटेटिव के ट्रांजिशन? ए वाले सारे रिप्रेजेंटेटिव। मेटल के नॉन मेटल के मेटलॉइड, मेटल इधर आ गया, तो मेटल सॉलिड लिक्विड के गैस, क्योंकि सारे मेटल सॉलिड होते हैं, सारा मरकरी के। हो जाएगा ये काम? ठीक है चलो देखते हैं, कोई है जो खुद बोले कि सर आई वॉन्ट टू डू, या मैं खुद पूछूं किसी से? चले मानूर आप बताएं, आपको एक एलिमेंट मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंट मैं लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर कोई एक एल्युमिनियम लेता हूँ, ठीक है सिंबल क्या एल्युमिनियम का? AL। किस पीरियड से बिलोंग करता है? 3rd पीरियड से, सही, गुड। टोटल कितने शेल इसके पास होंगे? 3 शेल्स होंगे, गुड। ये बताएं एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, प्रोटॉन कितने होंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें, इसका ग्रुप नंबर क्या है? जो फिर 3 है। रिप्रेजेंटेटिव है क्या ट्रांजिशन है? रिप्रेजेंटेटिव है। इसकी वैलेंसी क्या है? 3 या +3 है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? बोरोन फैमिली से। ये बताएं कि ये मेटल है नॉन मेटल है क्या मेटलॉइड है? मेटल है। ये बताएं कि सॉलिड है लिक्विड है या गैस है? है ना सॉलिड है। चलो वेल डन भाई, क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो करो, ठीक है गुड। ये आप 27,000 बच्चों ने देखा है कि मानू ने सही बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉयज़ की तरफ से आते हैं, कोई है जो अनस, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो बताओ। आपको मैं एक एलिमेंट देता हूँ, इसी तरह के सारे सवाल करूँगा, और आपके लिए जो एलिमेंट मैंने निकाला है यहाँ पर, वो मैंने लिखा निकाला है लिथियम Li 3 7, ताकि थोड़ा दिख जाए सही से आपको। ये बताएं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मास नंबर, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सही कह रहे हो, जोर से बोले, 3 है, ओके। पीरियड नंबर क्या है लिथियम का? सेकंड पीरियड है। टोटल शेल कितने होंगे इसके पास? नंबर ऑफ शेल्स, यस 2 शेल्स होंगे, सही है। ये बताएं कि इसका ग्रुप नंबर क्या है लिथियम का? 1 है। वैलेंसी कितनी होगी लिथियम की?
लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके? सही कह रहे हो, जोर से बोलो। वन इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। मेटल है, नॉन मेटल है, क्या मेटलॉइड है? मेटल है। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? रिप्रेजेंटेटिव है क्या? ट्रांजिशन है। चलो वेल डन, क्लैपिंग आ गया। सिट डाउन, सिट डाउन। अनस जमशेद इज राइट। गर्ल्स में से और कोई? ओके यस, स्टैंड अप प्लीज। हिरा है तो वो बताएंगी। मैं आपको एक एलिमेंट देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और एलिमेंट आपको मैं देता हूँ यहाँ पर कार्बन, सी 6-12। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? मास नंबर कितना है? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। पीरियड नंबर क्या है? सही है। टोटल शेल्स कितने हैं? 4। यस, 2 शेल्स होंगे ना टोटल, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या है? 4। फोर पूरा बताएं। 4A। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी क्या है इसकी? प्लस माइनस 4। ये बताएं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, क्या गैस है? पेंसिल के नोक है ये, सॉलिड है ये, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, क्या मेटलॉइड है? नॉन मेटल है। रिप्रेजेंटेटिव है क्या? ट्रांजिशन है। चलो वेल डन, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास, दैट्स इट फॉर, मतलब कुछ बच्चों से कर लिया, सारों से नहीं करेंगे। तो समझ में तो आ गया ना किस तरह से निकाल रहे हैं, क्या चीज़ें। तो प्रोएक्टिवली आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, सीक्रेट है उसके अंदर। देखने में कुछ नहीं लगता सर, डब्बे डब्बे तो बने हुए हैं, कि इस डब्बे में बहुत इन्फॉर्मेशन है और 400 साल की मेहनत है साइंटिस्ट की, तब जाकर ये बनाए, ठीक है। तो एक ओवरऑल लेक्चर कंप्लीट हो गया प्रोएक्टिवली का हमारे यहाँ पर।